हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर पेपर बी। ठीक है, हमारा पेपर ए कंप्लीट हो गया है। तो जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, मैं इस पे वीडियोस लेके आती हूँ। नितिन सांगवान सर एसेंशियल सोशियोलॉजी की जो बुक है उनके, ठीक है, वहाँ से हमारा पेपर ए आप कंप्लीट देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पे दिख जाएगी। एंड करंटली हम पेपर बी कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 9 हमें आज स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपको इन वीडियोस का पीडीएफ चाहिए, दैट मीन्स आपको इस लेटेस्ट एडिशन का पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ अपलोड करती हूँ। आने वाले टाइम में जो आपका इग्नो मटेरियल है रिलेटेड टू यूपीएससी सोशियोलॉजी एंड आपके जो विजन आईएएस के कुछ चेक्ड आंसर कॉपीज होती हैं टॉपर्स की, एंड इस बुक की एक रिवीजन सीरीज, तो ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में इस चैनल पे अपलोड करूँगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी अदर स्टेट पीएससी। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, जो कि ऐसा एक साइन बना होता है आपके कमेंट सेक्शन में, वहाँ से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, दैट इज अ विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। तो इसमें हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग सोशल चेंजेस जो आपके इंडिया में आई। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली हमारे कॉलोनियल रूल से। हमें पता है कि इंडिया किसके अंडर था, ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया। तो हमारे पास कॉलोनियल मिस गवर्नेंस के काफ़ी इंस्टेंसेस हैं। तो उन्होंने यहाँ पे मिस गवर्न किया काफ़ी हद तक, क्योंकि उनका जो मेन काम था वो था प्रॉफिट का। उनको अपने लिए प्रॉफिट चाहिए था। तो उसके लिए ना उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ किया, ना यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को काम करने के लिए कुछ किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए कुछ किया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे कोई काम नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें हम पोर रह गए, और जो ट्रेडिशनल हमारा फैब्रिक था इंडियन इकोनॉमी का, वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। क्योंकि जो स्मॉल फैक्ट्रीज थी, तब बोला जाता था हर घर एक फैक्ट्री है, तो उन चीज़ों पर अगर ब्रिटिशर्स ने तब ध्यान दिया होता तो उन एरियाज़ में अभी तक काफ़ी डेवलपमेंट हुई होती। इनफैक्ट जो एजुकेशन का यहाँ पर लाया था उन्होंने सारा सिस्टम, वो भी इस वजह से था क्योंकि उनको चाहिए थे अपने जो क्लरिकल काम है उनके ऑफिस के, जो लो, जिनको वो लो समझते जिस काम को, उसके लिए उनको थोड़े इंडियंस चाहिए थे जो इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह हो और वो ये काम कर सकें। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे वो एजुकेशन वगैरह का सिस्टम जो भी है यहाँ पे स्टार्ट करा था। तो कहने का ये मकसद है हर चीज़ में उनका अपना कोई ना कोई इसमें जो था मोटिव रहा था हर काम में। तो इंडियंस को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जाते जाते भी उन्होंने बहुत बड़ी अपनी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है वो चलाई, और इंडियंस को हमेशा के लिए रिलीजन के लाइन पे डिवाइड करके रखा बाय क्रिएटिंग पाकिस्तान। ठीक है, इस चीज़ को आगे ले जाने में। फाइन, तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दी, एंड टाइम टू टाइम जब उनको लगा कि इंडिया यूनाइट हो रहा है तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है वो हमेशा से यहाँ पे चलाते रहे। ये सारी चीज़ें आपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में पढ़ी होंगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉलोनियल मिस गवर्नेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी और डिप्रिवेशन रही। फाइन, वो जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो उनके हमने जाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक देखे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जब वो यहाँ पे आए थे, जीडीपी हमारा वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा था वो हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ देखा था। लेकिन जब वो यहाँ से गए थे तो कितने ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पे थी, जीडीपी की कितनी हमारी कम थी। इंडिया को पहले गोल्डन स्पैरो बोला जाता था उनसे पहले, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इंडिया का इकोनॉमिकली इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पोअर रखा था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें फिर कैसे करके सोशल चेंज का क्या एक डायरेक्शन होनी चाहिए हमारे लीडर्स को क्या लगा। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने इस पे क्या काम किया, एजुकेशनली क्या काम किया, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो इंडियन सोसाइटी जो थी, इट हैज़ विटनेस्ड मेनी हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन्स। ठीक है, क्या फॉल्ट लाइन्स थी हिस्टोरिकली और प्रेजेंट थी इंडियन सोसाइटी में। रिलीजन के बेसिस पे यूनिटी कम थी। ठीक है, कम्युनलिज्म आप बोल सकते हो। रीजनलिज्म के सेंटिमेंट्स काफ़ी हाई थे। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा जो पहली स्टेट बनी आपकी जिसने डिमांड किया कि मुझे बाइफरकेट करो, वो स्टेट जो थी वो किसके बेसिस पे बनी थी, आपके लैंग्वेज के। ठीक है, तो वो आपका कहीं ना कहीं रीजनलिज्म के साथ आपका वो इशू हो जाता है। एंड इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए बाद में प्रियम्बल में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंदिरा गांधी ने एक वर्ड इंटीग्रिटी ऐड किया था। ठीक है, तो इसी रीजनलिज्म को काउंटर करने के लिए वो जो वर्ड है हमारे प्रियम्बल में ऐड हुआ था। फाइन, जो सोशल चेंज है इट वाज विजुअलाइज्ड एज अ व्हीकल डिफरेंस टू ब्रिंग डिफरेंसेस इनटू द लाइव्स ऑफ द डिप्रेस्ड वुमेन एंड द अदर वीकर सेक्शंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। तो हमें सोशल चेंज की ज़रूरत थी क्योंकि हमें वुमेन जो थी वो काफ़ी डिप्रेस थी। ठीक है, बाकी जो वीकर सेक्शंस थे, क्योंकि एक तो यहाँ पे रिलीजन की प्रॉब्लम थी, रीजनलिज्म की थी, और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कास्ट सिस्टम की। और क्या प्रॉब्लम थी जो विमेन का यहाँ पे हाल था इंडिया में, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें क्या करना था, सोसाइटी में चेंज लाना हमारा जो था एक इम्पॉर्टेंट ये था एजेंडा हमारे लीडर्स का। स्पेशल अटेंशन वॉज गिवन टुवर्ड्स मेकिंग एवरीवन पॉलिटिकली इक्वल। राइट टू वोट आपको ये रखना, मैनी मॉडर्न कंट्रीज जो हैं उन्होंने राइट टू वोट अपनी वुमेन को काफ़ी बाद में दिया, जबकि इंडिया ने राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट बोथ द जेंडर्स को अपने, जब भी ये आया था इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो उसके साथ ही जो था ये इट वाज एप्लीकेबल टू बोथ द जेंडर्स। ऐसा नहीं है कि वुमेन को बाद में दिया हो, काफ़ी मॉडर्न कंट्रीज अगर आप देखोगे वहाँ पे वुमेन को काफ़ी सालों बाद जो है राइट टू वोट दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें चाहते थे, पॉलिटिकली इक्वल बने, विलेजेस को अटेंशन मिले, ठीक है। विजन ऑफ सोशल चेंज जो है ऑल्सो इंक्लूडेड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इमोशनली एंड पॉलिटिकली, ताकि कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड रीजनलिज्म को ये खत्म कर सके। विजन ऑफ सोशल चेंज जो है ये हमें स्ट्रक्चर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बोला जाए सोशल चेंज क्या था, बेसिकली उसका विजन क्या था सोशल चेंज का, तो आप उनको बोल सकते हो, आप रेफर करो प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो हमने बातें करी हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ठीक है, आपका फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली उन सारी चीज़ों को आगे प्रमोट करना वही आपका विजन था सोशल चेंज का, एंड वही सारी चीज़ें जो प्रियम्बल में मेंशन थी कि आपको सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए लोगों को, लिबर्टी चाहिए, ठीक है, जस्टिस चाहिए। उस जस्टिस में पॉलिटिकल जस्टिस भी आएगा, इकोनॉमिक जस्टिस भी आएगा एंड सोशल जस्टिस भी आएगा। तो जब आप सोशियोलॉजी का आंसर सोशल चेंज है, ऐसे किसी टॉपिक में लिखो जहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से कोई आर्टिकल ले सको, प्रियम्बल का कोई वर्ड, ऐसे ये प्रियम्बल वर्ड लिख सको, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है। इंटरडिसिप्लिनरी या इंटरसेक्शनल आंसर आप लिखते हो ना, तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे खासे मिल जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक रॉबर्ट रेडफील्ड ने हमें टर्म दिया था ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन का, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है सोसाइटीज़ को क्लासिफाई करने का। ये सोसाइटीज़ को क्लासिफाई करते हैं दो बड़े ग्रुप्स में, एक है वो ग्रुप जो बेस्ड है आपके लिटिल ट्रेडिशन पे एंड दूसरा ग्रुप है जो बेस्ड है आपके ग्रेट ट्रेडिशन पे। तो अगर जनरल टर्म्स में देखा जाए, जो आपकी फोक या पेजेंट सोसाइटीज़ होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं लिटिल ट्रेडिशन, जो थोड़ी क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सोसाइटीज़ होती हैं, एंड जो आपका एलीट कल्चर होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है। वाइल मार्क्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी जो है वो यूज़ करते हैं इकोनॉमिक बेसिस, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस करा है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड हैं केम विद अ कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन स्टडी ऑफ मेक्सिकन कम्युनिटीज़। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन का, ये कहाँ से आया था, ये उनकी स्टडी से आया था मेक्सिकन कम्युनिटीज़ की, जो उन्होंने करी थी। उसमें उन्होंने सोसाइटी को कल्चर और स्ट्रक्चर पे क्लासीफाई किया था। ये क्लासिफिकेशन जो है इसको बाद में यूज़ भी किया गया था सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए। कैसे सोशल चेंज, अगर कोई एलिमेंट लिटिल ट्रेडिशन का ग्रेटर ट्रेडिशन में जाता है एंड कोई एलिमेंट ग्रेटर ट्रेडिशन का, मतलब कोई एक चीज़ जो फॉलो होती है ग्रेटर ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन में जाती है, ठीक है। दैट मीन्स कोई एक चीज़ जो, कोई फेस्टिवल वो ग्रेटर ट्रेडिशन वाले फॉलो करते हैं, एंड देन कुछ सालों के बाद आप देखते हो वही फेस्टिवल लिटिल ट्रेडिशन फोक सोसाइटीज़, विलेज कम्युनिटीज़ में भी फॉलो होती है। दैट मीन्स सोसाइटी में एक चेंज हो रही है, एंड क्या हो रहा है, आप बोल सकते हो डिफ्यूजन हो रहा है, कल्चर का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इस कॉन्सेप्ट से लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर मैककिम मैरियट ने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था। इन्होंने दो टर्म दिए थे, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरिकलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन होता है अपवर्ड मूवमेंट, दैट मीन्स लिटिल ट्रेडिशन का कोई भी एक इवेंट आप बोलो या कोई भी जो वहाँ पे फॉलो चीज होती हो, कोई एक आइटम वो ग्रेटर ट्रेडिशन में जाए, वो यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, मतलब छोटी चीज़ बड़े में मिल जाए तो यूनिवर्सलाइज हो गई। एंड अगर ग्रेटर ट्रेडिशन से कोई चीज़ लिटिल ट्रेडिशन की तरफ आ गई तो उसको क्या बोला इन्होंने, पेरिकलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। The social structure of the civilization operates at two levels. First is that of folks or unlettered peasants, जिसको उन्होंने कहा little tradition. Second हो गया culture of the elite या reflexive few, जो few लोग होते हैं हमारा जो elite culture represent करता है, उनको इन्होंने कहा उनके tradition को greater tradition. ये इन्होंने एक general representation दी classification of society की on cultural and structural terms. हमारा क्या काम है इसको Indian context में analyze करना। अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी देखें तो जो लिटिल ट्रेडिशन है वो रेफर करता है लाइफ को एंड कल्चरल ट्रेडिशन को ऑफ विलेज कम्युनिटीज, जैसे आपकी ट्राइबल सोसाइटीज, ठीक है। एंड यूजुअली क्या होता है, जो इन सोसाइटीज का कल्चर होता है वो अनरिकॉर्डेड होता है, दैट मीन्स वो कहीं पे रिटन टेक्स्ट में नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन सांस्कृतिक भी बोलते हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का, वेट। तो इनको क्या करते हैं, इनको नॉन सांस्कृतिक भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं आपके बुक्स में मेंशन नहीं होता। ये वो वाला कल्चर है जो आप ऑरली बोल बोल के ट्रांसमिट करते हो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो दो चीज़ें एक याद रखनी है आपको लिटिल ट्रेडिशन में, एक तो हुआ आपका लाइफ एंड कल्चरल ट्रेडिशन विलेज कम्युनिटीज़ का, जैसे इंक्लूडिंग जिसमें ट्राइबल सोसाइटीज़ भी हों, एंड यूजुअली ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये जो कल्चर है ये अनरिकॉर्डेड होता है एंड इट इज़ ऑरली ट्रांसमिटेड, ठीक है। जो लिटिल ट्रेडिशन है इट रिमेन्स कन्फाइंड टू दी लिमिटेड एरियाज, ये भी हो गया। जो ग्रेट ट्रेडिशन है ये रेफर्स टू संस्कृत ट्रेडिशंस, दैट मीन्स वो ट्रेडिशन जिसका एक रिटन रिकॉर्ड होगा, एंड ये कैरियर्स कौन होंगे इसके, मोस्टली प्रीस्ट, रिचुअल लीडर्स एटसेट्रा, जो रिटन रिकॉर्ड्स को समझ पाए ऑब्वियसली। तो लिटिल ट्रेडिशन का डिफरेंस देख लो, जब भी आप अब लिटिल और ग्रेट याद रखो तो ये चीज़ें आप दिमाग में याद रख लेना। वो सांस्कृतिक स्मॉल विलेज कम्युनिटीज़ में ट्रांसमिट होता हो जहाँ पे ऐसी बोली बोली बातें, सिर्फ मतलब बोलने वाली बातों से वो चीज़ें ट्रांसमिट हुई हैं, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ग्रेट ट्रेडिशन जहाँ आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा चीज़ों का, ठीक है। तो और जो ग्रेट ट्रेडिशन है, लिटिल ट्रेडिशन है वो लोकलाइज होगा, ग्रेट ट्रेडिशन जो है इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्प्रेड आउट। एक कांस्टेंट इंटरेक्शन आपको मिलेगा बिटवीन द टू। उसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई फेस्टिवल देखो गया विलेजेस में परफॉर्म होता होगा तो आपने देखा होगा कुछ सालों के बाद अगर आप देखो वही सेम चीज़ सिटीज़ में भी होने लगे। तो ऐसा चीज़ होता है, ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप नोट करोगे अपनी लाइफ में। तो उसको क्या बोलते हैं, इनके बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा है, दैट मीन्स लिटिल से ट्रांसमिट होकर चीज़ें ग्रेटर में आ गई हैं, जिसको आप यूनिवर्सलाइजेशन भी बोलते हो। या आप अगर आप इसका उल्टा देख लो, ठीक है, आप इसका उल्टा देखने का क्या मतलब हुआ कि आप देखो कोई ऐसी चीज़ जो सिटीज़ में फॉलो होती हो, कोई गॉड मानते हो वहाँ का, ठीक है, कोई डाइटीज़ जो सिटीज़ में फॉलो होता हो, या जो एक ग्रेट ट्रेडिशन हो जिसका रिटन रिकॉर्ड हो, हर जगह फॉलो नहीं होता हो लेकिन स्प्रेड आउट हो, पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन हो, वही चीज़ अब ऐसा ऐसा देखो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक बड़े लेवल पे उसकी प्रेजेंस देखने को मिले, विलेज कम्युनिटीज़ में भी वो डाइटी जो है उनको फॉलो करने लगे। तो ये क्या हुआ, ये भी बताता है एक एलिमेंट ऑफ इंटरेक्शन हो गया लिटिल एंड ग्रेट का। इसको और एक नाम क्या दिया गया था, पैरिकुलाइजेशन, किन्ने, मैकिम मैरियट ने, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हम कीवर्ड यहाँ पे देखते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन, पैरिकुलाइजेशन, मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन, वहाँ पे आपको इनफैक्ट अगर ये डायग्राम भी ऐसे आप बनाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड देन यहाँ पे उनका नाम जो है मैकिम मैरियट का, वो नाम भी आपको साथ में लिखना होगा। स्टडीज ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया शो हाउ सांस्कृतिक राइट्स द ग्रेट ट्रेडिशन। अब सांस्कृतिक राइट्स कौन से हुए, जो कहीं ना कहीं आपके रिटन टेक्स्ट रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है, ठीक है। तो वो आर ऑफन एडेड टू नॉन सांस्कृतिक राइट्स लिटिल ट्रेडिशन विदाउट रिप्लेसिंग देम। तो ऐसा नहीं होता है एक चीज़ दूसरे को रिप्लेस करे, थोड़ा क्या हो जाता है इनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाती है, दैट मीन्स फॉलो करने लगते हो आप एक दूसरे की चीज़ें। The binary concept is based on the evolutionary dialectic perspective that civilization or structures of tradition grow in two stages, the orthogenetic or indigenous evolution, which is due to internal creative urges, and the heterogenic evolution और वह कॉन्टैक्ट विद दी अदर सिविलाइजेशंस। तो ये चीज़ भी जो है हमने पहले पढ़ी है, मैंने आपको बोला ऑर्थोजेनेटिक चेंज कौन सी होती है, जो इंटरनली आती है, किसी चीज़ की वजह से इंटरनली कोई चेंजेस होती हैं। जैसे इंडिया में क्या हुआ, जब ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ गई तो बुद्धिज्म आ गया उसको थोड़ा सबसाइड करने के लिए, वो एक ऑर्थोजेनेटिक चेंज थी। लेकिन जब इस्लाम यहाँ पे आया, जब वो इन्वेजन हुई यहाँ पे, ठीक है, मुझे इस्लामिक इन्वेजन हुई, वो बाहर से चेंज आई थी, तो उसको हम हेटेरोजेनेटिक बोलते हैं। तो ये जो है कॉन्सेप्ट ऑर्थोजेनेटिक का एंड हेटेरोजेनेटिक का, ये भी क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है सोसाइटी में कैसे जो चेंज है वो किन चीज़ों की वजह से आ सकती है। जैसे अंदर में कुछ एलिमेंट्स सही नहीं चल रहे हैं, या अंदर सोसाइटी के अंदर की कुछ चीज़ें हैं, उनकी वजह से भी चेंज आ सकती है। एंड अगर बाहर से कोई चेंज आएगी, जैसे ऑर्थोजेनेटिक प्रोसेस से कोई चेंज आए, उसको इन्होंने क्या कहा था, उसको इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा था। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू हेटेरोजेनेटिक प्रोसेस, एंड जनरली जो चेंज होती है स्टार्ट, आप उसको सोशल चेंज भी बोल सकते हो, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो किससे होती है, आपके ऑर्थोजेनेटिक प्रोसेस से, दैट मीन्स इंटरनल एलिमेंट्स जो हैं आपके कल्चर के वो चेंज होने लगते हैं। तो इसमें मिल्टन सिंगर का क्या कहना था, मिल्टन सिंगर आर्ग्यूड दैट ड्यू टू डीप इंडिजिनस कल्चर ऑफ इंडिया देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द लिटिल एंड द ग्रेट ट्रेडिशन। तो इनके बीच में आपको कॉन्टिन्यूटी मिलेगी, ऐसा नहीं है लिटिल ट्रेडिशन खत्म हो गया तो ग्रेट ट्रेडिशन आया, ये चीज़ें जो है साथ साथ में चलती हैं। एंड देयर आर मेनी शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज दोनों की, जैसे हमने अभी बोला कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू। Further, little and great traditions in India not only interact but they are also interdependent. Modernizing forces are not only accepted but they get absorbed in tradition. Continuity between the two is seen through kinship, caste, values and festivals. तो ऐसा नहीं है सिर्फ interact करेंगे लेकिन वो एक दूसरे पे depend भी हो जाते हैं. जैसे हमने देखा ये modernity और tradition कैसे चलता है, जैसे आपके ये आते हैं ना वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट से, तो ये एक मॉडर्नाइजिंग चीज़ है. आप ऑनलाइन अपना पार्टनर चूज कर रहे हो. अब आपके पास मैट्रिमोनियल वेबसाइट में कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, रिलीजन बेस्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं. तो क्या हो रहा है, दो चीज़ों की इंटरडिपेंडेंस हो रही है. ये एक तो ट्रेडिशन जो है वो मॉडर्निटी पे डिपेंड कर रहा है. मॉडर्निटी खुद को कंटिन्यू करवाने के लिए इस पे क्या कर रहा है, ट्रेडिशनलिज्म पे डिपेंड कर रहा है. तो इन दोनों के बीच में आपको कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन भी मिलेगा एंड ये चीज़ें इंटरडिपेंडेंट भी होंगी. यहाँ पे यही पैरिकुलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन इन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, वो यहाँ पे देख लेना ठीक है. वो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पर यहाँ पे कोई और नाम भी मैंने देखा था. यहाँ से हम देखते हैं Parochialization refers to the process in which great tradition is imbibed by the unlettered masses and becomes a part of little tradition. ठीक है. For example, Ghurye gave a classification of Indian tribes. उन्होंने क्या दी थी? Hinduized tribes, partially Hinduized tribes, and hill sections to represent the process by which tribal groups adapt Sanskritic traditions, elements of great traditions. तो हमने little tradition के starting में कहा जो tribal groups हैं वो भी आपके little tradition का part है. तो इसमें आप Ghurye का नाम भी लिख सकते हो क्योंकि Ghurye ने आपको कहा था एक तो आपकी होती है Hinduized tribes हैं, partially Hinduized tribes हैं and hill sections हैं. ठीक है. और Ghurye ने क्या कहा था बाद में, ये जब अडॉप्ट करेंगे संस्कृतिक ट्रेडिशंस तो वो क्या हो, उसका क्या मतलब होगा, लिटिल ट्रेडिशन का इंटरैक्शन हो रहा है ग्रेटर ट्रेडिशन के साथ. ठीक है. तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. देखो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया है लिटिल एंड ग्रेटर ट्रेडिशन का, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. योगेंद्र सिंह ने कहा था ये सिर्फ आपको कल्चरल चेंज बता रहा है कि कैसे एक ट्रेडिशन में जो कल्चरल चेंज है वो आप कुछ टाइम के बाद वैसा कोई कल्चर दूसरे ट्रेडिशन में देखोगे. तो ये आपको चेंजेस बिटवीन टू कल्चर्स देखने को मिल रही हैं एंड इसमें कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं हुई है क्योंकि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है चाहे वो विलेज हो या आपके अर्बन सोसाइटीज हो या सो कॉल्ड आपका ग्रेट ट्रेडिशन हो, वो काफ़ी वाइड स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं उसमें और यहाँ पे वो कहीं डिस्कस नहीं हुई. यहाँ पे सिर्फ कल्चर की बात हुई है. ठीक है. योगेंद्र सिंह ने इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया कि आपने वर्ड लिटिल यूज किया है फोक ट्रेडिशंस के लिए जो कि ठीक नहीं है. दैट मीन्स इसमें कोई अटैच्ड है एक बायस नोशन ऑफ इन्फीरियोरिटी. According to S.C. Dube, जो dichotomy है between the little and great simply doesn't reflect all aspects of Indian tradition. And उन्होंने कहा in fact यहाँ पे multiple traditions हैं. And according to them, there's a hierarchy of traditions that exist in India in Indian society even today. ठीक है. तो उन्होंने कहा multiple traditions हैं जो hierarchy में यहाँ present है, सिर्फ little and great नहीं है. आप दो ही terms में उसको represent नहीं कर सकते हो. और इन्होंने हमें 6 ऐसे traditions दिए थे, classical tradition, emergent national tradition, regional tradition, local tradition, western tradition and subcultural tradition. ठीक है. तो ये चीज़ clear हो गई. तो अभी तक हमने लिटिल ग्रेट में जब नाम पढ़े, मेन नाम हमने कौन से पढ़े, हमने पढ़ा रॉबर्ट रेडफील्ड का, मैककिम मैरियट का और जीएस गुरे ने भी उसमें क्या कहा था वो, पर उसको बाद में काउंटर भी किया. उसकी लिमिटेशंस हमें किसने दी, एक तो हमें एससी दुबे ने दी एंड एक हमें लिमिटेशन किसने दी है और हमें योगेंद्र सिंह ने दी है. ठीक है. तो ये सारे जो नाम है आपको इसमें याद रखने हैं. और जो इन्होंने हमें मल्टीपल ट्रेडिशंस दिए थे उनकी उन्होंने 6 टाइप्स की क्लासिफिकेशन भी दी थी, वो भी आप ये नाम भी आप याद रख लेना. अब थोड़ा देखते हैं आइडिया ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ये मॉडल क्या है इंडिया का. अब जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे पास क्या मॉडल थे, हमारे पास कैपिटलिस्टिक मॉडल थे क्योंकि हमने कैपिटलिज्म देख लिया था ब्रिटिश का, और हमारे पास सोशलिस्ट मॉडल था जो हमें सोवियत यूनियन का पता था. और आपको याद रखना होगा जो उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे आपके नेहरू वगैरह, ये सोशलिस्ट से काफ़ी सोवियत यूनियन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे. ठीक है. तो ये चाहते थे सोशलिस्ट लाइन पर हमारा जो इंडिया है आगे डेवलप हो. फाइन. तो जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, इंडिया को कैसे डेवलप करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए क्योंकि रिसोर्स हमारे पास कम थे, एडवांस हम उतने ज़्यादा नहीं थे, इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे ऐसी कुछ इस्टेब्लिश नहीं हुई थी जिसका हमें ज़्यादा फायदा हो. ठीक है. एंड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, एजुकेशन कम थी, अपने फॉल्ट लाइन्स काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी. तो इंडिया ने क्या किया, ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ, जहाँ पे आपका प्राइवेट एंड पब्लिक जो है एंटरप्राइज वो साथ साथ चले. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट को आप बिल्कुल ख़त्म कर दो क्योंकि प्राइवेट से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट. तो हमें फंडिंग की भी ज़रूरत थी. इवन प्राइवेट भी उतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं था, बट एटलीस्ट कुछ था कि हमें कुछ फंड्स मिल सके, और हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसके पास भी तब उतना ज्यादा पैसा नहीं था, जिससे हमें फंड्स चाहिए थे ताकि पब्लिक सेक्टर भी अच्छा ग्रो कर सके, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर भी ग्रो करे, और वो जो बेनिफिट्स हों वो ट्रिकल डाउन हो जाए कहाँ पे, आपके जो लोएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए, और पॉवर्टी पे हम काम कर सके। ये था इनका बेसिक फंडा मिक्स्ड इकोनॉमी लाने के पीछे। अब हम आगे देखेंगे। The original idea of development and planning in India, it was inspired from the socialist model of economic development. Independence के बाद इंडिया के पास दो choices थी, capitalistic and socialistic. लेकिन जो colonialism है and mercantilism है, जो हमने already discuss किए हुए हैं, इनका जो था हमने already देख लिया था हिसाब क्या है, और इंडिया तो फ्रीडम फाइटर्स को हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल ये मॉडल जो है वो सही नहीं लग रहे थे, एंड उन्होंने कॉन्शियसली चूज किया प्लान डेवलपमेंट एंड बेस्ड ऑन ए कमांड इकोनॉमी। प्लान डेवलपमेंट होता है जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो आपका सेंटर लेता है, दैट मीन्स इकोनॉमिक डिसीजंस कहाँ से आते हैं, आपके स्टेट से, आपकी गवर्नमेंट से, एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है आपकी वो कैसे होती है, वो प्लान फैशन में होती है, वो आपका प्लान डेवलपमेंट हुआ। जो इकोनॉमी को रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो स्टेट लेगी, एंड जो डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिकली वो प्लान फैशन में चलेगी। कमांड इकोनॉमी होता है जहाँ पे मार्केट, देखो यहाँ पे मार्केट में क्या भी चीज़ आएगी वो किस पे डिपेंड करता है, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, किस चीज़ का कितना डिमांड है अकॉर्डिंगली उतनी सप्लाई होगी। लेकिन कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, ये चीज़ें मार्केट फोर्स डिटर्मिन नहीं करता है, बल्कि ये चीज़ें आपकी स्टेट डिटर्मिन करती है, ठीक है। तो हमने ये वाला मॉडल जो है कॉन्शियसली चूज किया। आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो हाईली इन्फ्लुएंस थे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से, और वो हमें देखने को मिला था बाद में उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी। एंड ये जो प्लान डेवलपमेंट है ये कब तक चला था, 1991 तक, क्योंकि उसके बाद आपने पढ़ा होगा एलपीजी मॉडल आया था आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो सोशियोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो चीज़ें आप इकोनॉमी में पढ़ लोगे। जो नेहरूवियन वर्जन है ऑफ सोशलिस्ट आइडियो, नेहरूवियन वर्जन था इंडियन सोशलिज्म का। इट वॉज नॉट एन आइडियोलॉजिकल डोगमा बट वॉज अ ब्रॉड गाइड टू डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। तो बेसिकली वो ही क्यों लेके आए थे, वो ही लेके आए थे डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज के लिए, ठीक है। सोशलिज्म जो है इट वॉज नॉट ए ब्लाइंड आइडियोलॉजिकल गोल बट इट रादर अकोमोडेटेड लॉट ऑफ अदर आइडियाज विच वर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब ये हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, हमारा गोल ये नहीं था कि हमें सोशलिज्म अचीव करना है, हमें अचीव करनी थी डेवलपमेंट इंडिया की, जो कि उस टाइम पे काफ़ी पीछे था। हमें उसके लिए प्लानिंग, प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए थी। तो हमने क्या किया था, हमने बिल्कुल ब्लाइंडली सोशलिज्म को फॉलो नहीं किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया था जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आपका पैरेलली चल रहा था, ठीक है। तो प्लानिंग एक्सरसाइज जो थी इन इंडिया में, मेड अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड कलेक्टिव गोल्स ऑफ द स्टेट, ठीक। इट प्रोवाइडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज हु वर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इन द सोसाइटी। तो उनको वेलफेयर करना, हमारी इकोनॉमी स्टार्टिंग से ही वेलफेयर इकोनॉमी रही है, क्योंकि हमारी जो कंट्री की हालत थी, हम सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड उस टाइम पे नहीं हो सकते थे। अब जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं उस टाइम पे, वो उन लीडर्स को गालियां देना जस्टिफाई नहीं होता है उनका, क्योंकि आपको नहीं पता है उस टाइम पे जब कंट्री उनको दी गई थी, ये एक नई कंट्री थी जिसमें आपको हर साइड से दुख ही देखने को मिल रहे थे, दुख इन द सेंस कि आपको हर साइड से जो फॉल्ट है वो नजर आ रहे थे। सोसाइटी खुद डिवाइडेड थी, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो रही थी, कम्युनल राइट्स इतने हो गए थे आजादी के टाइम पे, ठीक है, एंड रीजनलिज्म इतना हो रहा था, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, साथ में गरीबी इतनी ज्यादा थी, पैसा ना गवर्नमेंट के पास था, प्राइवेट के पास भी कम था। तो उस टाइम पे जो उनको लगा सूट करेगा इंडियन सोसाइटी के लिए, तो वही मॉडल जो है उन्होंने चूज किया था, ठीक। तो ये जो प्लानिंग थी उस टाइम की, ये सिर्फ एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं था, उनको सिर्फ नेशन बिल्ड नहीं करना था, उनको एक वेलफेयर एक्सरसाइज भी देखनी थी। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था, अगेन पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, फाइन एजुकेशन इतनी कम थी, विमेन का हाल इतना बुरा था, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, हर बेसिस पे जो है सोसाइटी में जो है शिज़म डेवलप हुए थे। The Indian model of planned development was inspired from the Soviet success but was not communist in its tone. अब वो socialist था, communist नहीं था, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। सोशलिज्म आपको याद रखना है, सोशलिज्म आपका कहता है कि स्टेट कंट्रोल है चीजों पे, ठीक है, और उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं जो आते हैं आपके इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इकोनॉमी के जो भी आपके प्रॉफिट मिलेंगे वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, ठीक है। एंड कम्युनलिज्म कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करो, एक क्लासलेस सोसाइटी लेके आओ, और जब एक क्लासलेस सोसाइटी आपकी आ जाती है उसके बाद स्टेट का रोल भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लोगों के पास क्या आ जाता है, डायरेक्टली एक कंट्रोल आता है क्लासलेस सोसाइटी को रन करने का। और जो कम्युनिस्ट है इसमें ज्यादा आपको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मिलती है, सेंट्रल ओवरटोन्स जो है आपको कम्युनलिस्ट सोसाइटीज में देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो हमारा सोशलिस्ट था, उसका नरम वर्जन समझो आप, ये नहीं था, उतना हार्ड नहीं था कम्युनिस्ट इन इट्स टोन, वो नहीं था जो इंडियन मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट था। इंडिया चोज एंड अडॉप्टेड सिलेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे इंटरेस्ट को सूट करते थे। तो हमने क्या चूज किया? मिक्स्ड इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ ए प्योरली लेड स्टेट ग्रोथ। मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ने अडॉप्ट किया दिस मॉडल फॉर वेरियस रीजंस। अब क्या रीजंस थे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन स्टेट है इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि अकेले सारी जो इकोनॉमिकल सोशल एक्टिविटीज हैं वो कर सके। इनको फंड्स की, इनको पैसों की जरूरत थी, इसीलिए लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन को क्या किया? अलाउ किया गया। सेकेंडली जो प्राइवेट सेक्टर था वॉज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड एंड लैक्ड रिक्विजिट कैपिटल रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज टू सेटअप सर्टेन क्रिटिकल हैवी इंडस्ट्रीज विच हैड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स। सेकेंडली आपका जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, उसको भी कैपिटल की जरूरत थी, रिसोर्सेज की जरूरत थी, ठीक है, एंड उसको एक्सपर्टीज भी चाहिए थे अपनी हैवी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट को भी थोड़ा बहुत स्टेट की जरूरत थी इन रिसोर्सेज की वजह से, फाइन, क्योंकि उनके पास भी, वो भी सेल्फ सफिशिएंट उतने ज्यादा नहीं थे। थर्डली इंडिया को सिर्फ डेवलपमेंट नहीं चाहिए थी, इसको डेवलपमेंट विद इक्विटी चाहिए थी। देखो एक हुआ इक्वालिटी, इक्वालिटी में क्या हुआ? फॉर एग्जांपल आप 10 रुपए बांट रहे हो सब 10 लोगों में, 5 लोगों में आप 10-10 रुपए बांट रहे हो, तो आप हर किसी को 10 रुपीज दोगे, दैट इज योर इक्वालिटी। इक्विटी क्या हुआ? आप ये देखोगे कौन उन 5 लोगों में 1 2 3 4 5 इन 5 लोगों में कौन कितना गरीब है। हो सकता है 5वां जो है वो सबसे ज्यादा गरीब हो और 1 नंबर पे जो आता है वो अमीर हो, तो 5वें को 10 रुपए देना जो सबसे ज्यादा गरीब है एंड जो फर्स्ट नंबर पे आता है जो सबसे ज्यादा अमीर है उसको भी 10 रुपए देना, क्या जस्टिफाइड है? इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, सबको 10 रुपीज दिए, लेकिन इक्विटी नहीं है इसमें, क्योंकि ये इक्वालिटी जो है ये जस्टिफाइड नहीं है। आप अमीर को भी 10 दे रहे हो, गरीब को भी 10 दे रहे हो, तो आपको गरीब को क्या करना होगा? आपको 9 देने होंगे गरीब को, एंड अमीर को अगर आप 1 रुपीज भी दोगे तो चलेगा। तो हमें ऐसी टाइप ऑफ डेवलपमेंट चाहिए थी जिसमें डेवलपमेंट के साथ इक्विटी भी हो, ठीक है। फॉर दीज रीजंस इंडिया ने एक मिडिल ग्राउंड अडॉप्ट किया इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। अनलाइक सोवियत मॉडल इंडिया में क्या किया था? प्राइवेट एंटरप्राइज जो थे वाज आल्सो अलाउड टू एग्जिस्ट इन पैरेलल अलोंग विद पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने कहा। इंडिया में इनफैक्ट 1944 में एक इम्पॉर्टेंट प्लान भी आया था, बॉम्बे प्लान जिसको हम बोलते हैं, जिसने एक प्लान इशू किया था फॉर द फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कैसी होनी चाहिए। The plan was a testament that adoption of socialist model was not against the will of the then industrial class also. तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो सोशलिस्ट मॉडल हमने तब डेवलप किया क्या वो बिल्कुल ही खिलाफ था आपके इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास से या आपके कैपिटलिज्म या इसके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल एंटी था उसके, तो वहाँ पे आप बॉम्बे प्लान देके ये चीज़ लिख सकते हो कि ऐसा नहीं था। तो बॉम्बे प्लान यहाँ पे है, इसको फॉर्मली इसको बोला जाता है प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ये डॉक्यूमेंट था रिलीज बाय द 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया लाइक जे.आर.डी. टाटा, बिरला, राम, श्रीराम एक्सेट्रा। 1944 में इन्होंने सजेस्ट किया था हमारा फ्यूचर कोर्स कैसा होना चाहिए, दैट इंडियन इकोनॉमी शुड टेक पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। द प्लान सॉट गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज बाय द Government of Independent India. At the same time, it recognized the role of government in protecting the domestic industries in the initial years and play a proactive role in uplifting agriculture. तो ये सारे कुछ points हैं, ये आपको बॉम्बे प्लान में याद रखने हैं, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है ये प्लान इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया था, दैट मीन्स एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है तब भी हमारा डेवलपमेंट मॉडल नहीं था। प्लानिंग एज ए प्रोसेस वो सीन एज एन इम्पेरेटिव फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर सेवरल रीजन। अब हमने प्लानिंग क्यों चूज करी? डेवलपमेंट वाला हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, हमें इसमें क्या चीजें देखनी थी? एक तो हमारा ये था डेवलपमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत प्लानिंग का। अब प्लानिंग हमें क्यों चाहिए थी? फर्स्टली इंडिया के स्कार्स रिसोर्सेज थे, कम रिसोर्सेज थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे हम इसको यूटिलाइज करें मोस्ट एफिशिएंट वे में वो देखना ज़रूरी था। हमारा फॉरेन सुपर पावर्स के साथ जो एटीट्यूड था उनका हमारी तरफ वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो बोलते थे इंडिया इतना अभी नई कंट्री बनी है, हम इतना डेवलप करेंगे और इतने टाइम तक सर्वाइव करेंगे और अब एक इमर्जिंग पावर बनना शुरू हो जाएंगे, वो उनके बिल्कुल वहम गुमान में भी नहीं था। हमारे नेबरहुड के साथ सही रिलेशन नहीं थे, ठीक है। कॉलोनियल रूल ने जो हमारे इतने टाइम पे जो है इकोनॉमी का हाल किया था, ये सारी चीज़ें जो थी इन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज में कम और काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो इंडिया का हाल जो है इकोनॉमिकली बहुत वीक कर दिया था। कर दिया था इंडिया को। तो अब जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली कैसे हम यूटिलाइज करेंगे अपनी इस मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए ताकि उनको बेनिफिट हो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन था हमारा प्लानिंग को एज ए प्रोसेस जो है वो इंक्लूड करना अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सेकेंडली पॉवर्टी एलिवेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी है, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्टार्टिंग से ही रहे हैं, अभी तक कंटिन्यू होते हैं, अभी भी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स आप पढ़ रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए। थर्डली इंडिया ने विटनेस किया था एवेल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हैड डीपली इंपैक्टेड लीडर्स लाइक नेहरू, इसीलिए वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से ही वो प्लानिंग वाला जो है हमारा प्रोसेस वो शुरू हुआ था। फोर्थली प्लानिंग वॉज ऑल्सो विजुअलाइज एज अ टूल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विच वॉज नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड सोशल स्कीम एंड सो ऑन वगैरह। ठीक है, तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी हमें प्लानिंग की जरूरत थी। तो इन सब प्लानिंग, ये तो अभी सारी बातें हुई ना कि हमें प्लानिंग मॉडल चाहिए, हमें प्लानिंग डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों को फाइनली एक शेप देने के लिए, प्रैक्टिकल शेप देने के लिए हमने इस्टेब्लिश किया प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर प्लान जो है आपके बनाता रहेगा। ये प्लान जो है हमें यहाँ नहीं पढ़ने, ये आप इकोनॉमी में देखोगे कि कौन से सक्सेसफुल रहे, मेजॉरिटी वाले फेलियर रहे, क्यों फेलियर रहे, वो सारी डिटेल्स आप वहाँ पे पढ़ लोगे। ठीक है, इट वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, इट इशूड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951 एंड अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एडिक्वेट अटेंशन कहाँ पे दिया था, इंडस्ट्रीज को भी दिया था, जैसे आपका वो बॉम्बे प्लान वगैरह वो भी इसमें इंक्लूडेड था। बट अचीवमेंट्स ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन्ड फार फ्रॉम एनकरेजिंग। वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वॉज टेकन फ्रॉम सोवियत मॉडल, इट ऑल्सो रियलाइज कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल्स है इन डेमोक्रेसीज मे नॉट यील्ड द सेम रिजल्ट एज इन केस ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट्स। तो जैसे आपका जो प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल है वहाँ पे चलेगा, वैसे डेमोक्रेसीज भी सही से नहीं चल सकता, ये चीज़ भी इनको रियलाइज विद टाइम होने लगी। और इस वजह से इन्होंने ये भी देखा कि जो प्लान, आप 5 ईयर प्लान्स अगर सेपरेटली पढ़ोगे तो मेजॉरिटी इसमें वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाए जो एटलीस्ट इन्होंने सोचा था कि यहाँ पे अचीव करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट सारा कंट्रोल ले लेती है और कहीं ना कहीं वो बाद में स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, एटलीस्ट जब वो ट्रांजिशन फेज में होते हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज के, हमें क्लासलेस सोसाइटी अचीव करनी है। ठीक है, उस ट्रांजिशन में आते आते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों का बुरा हाल किया होता है कम्युनिस्ट कंट्रीज ने। लेकिन डेमोक्रेसीज में आप सबसे ज़्यादा वेलफेयर पर ध्यान देते हैं, वेलफेयर आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास पैसे नहीं हो, फंड्स नहीं हो, तो इस वजह से वो प्लान जो वहाँ पे चलते थे वो वैसे यहाँ पे इंडिया में नहीं चल पाई, ये इनको एक तो रियलाइज हुआ। एंड सेकेंडली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो काफ़ी काम हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, लेकिन एडिक्वेट अटेंशन जो है वो इंडस्ट्रीज को नहीं मिला। ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं सॉट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड पर कैपिटा इनकम्स थ्रू एडवांसेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी बात हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया का काफ़ी पीछे रहा, यहाँ ये भी वजह रही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है, देन आपका टर्शरी, दिस इज योर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी वाला हुआ आपका मैन्युफैक्चर रिलेटेड एंड टर्शरी इज योर सर्विस सेक्टर। ठीक है, आपकी जॉब्स वगैरह वो आईटी वाईटी सेक्टर सारा इसमें आता है। तो इंडिया में जो मेजर जंप है वो प्राइमरी के बाद सीधे टर्शरी में आया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर होता नहीं था, उन्हें यहाँ पे बस मार्केट बनाया था अपने गुड्स के लिए, तो हम उस मैन्युफैक्चर सेक्टर में वो बार अचीव नहीं कर पाए, इस वजह से इकोनॉमिकली भी हम काफ़ी पीछे रह गए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी कुछ कुछ बातें हुई वहाँ पे। इट्स पिवट वॉज नेहरू महालानोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ, ये भी आगे का एक 5 ईयर प्लान था जिसको शॉर्ट में नेहरू महालानोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट जो था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो था वॉज इंपॉर्टेंट एज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 80% ऑफ जो लोग थे दे वर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड द कंडीशन ऑफ पीजेंट्री जो थी वो अच्छी नहीं थी। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी एज इंडिया वॉन्टेड टू हैव सेल्फ सफिशेंसी इन क्रिटिकल एरिया सो दैट फॉरेन डिपेंडेंसी कुड बी कर्टेल्ड। अब क्रिटिकल एरियाज जैसे होते हैं आपका डिफेंस, कम्युनिकेशन सेक्टर, एटलीस्ट उन सेक्टर्स में हमें सेल्फ सफिशेंसी चाहिए ताकि उन सेक्टर्स में हम फॉरेन एड पे डिपेंड ना हो, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि जितना हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट होंगे मॉनिटरीली उतना हमारी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सॉवरेनिटी क्या होता है कि हम एक्सटर्नली भी सुप्रीम है, इंटरनली भी। ठीक है, इंटरनली जो है इंडिपेंडेंट है हम, एक्सटर्नली भी जो है वो इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम है, तो हमें किसी और, कोई और कंट्री हमें डिक्टेट नहीं कर सकती हमें अपनी पॉलिसीज कैसे शेप करनी है, वो होता है आपकी सॉवरेनिटी। अगर हमारा कोई अपना इशू चल रहा है, इंडिया के अंदर कोई इशू चल रहा है, पहली बात हमें जो इंडिया के अंदर के फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट के कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, नक्सलिज्म देखने को मिलते हैं, तो इंडिया ये बिल्कुल बाउंड नहीं है कि वो बो डाउन करे इन ग्रुप्स के डिमांड्स को, दैट मीन्स वो इंटरनली भी सुप्रीम है एंड वो एक्सटर्नली भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम एक्सटर्नली भी डिपेंड नहीं करते किसी कंट्री पे कि वो हमें डिक्टेट करे हमें इन इश्यूज को कैसे टैकल करना है। तो अगर जो हमारे क्रिटिकल एरियाज है जैसे आपका डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, इन एरियाज में अगर हम क्या करें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव ना करें और फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे हमारे जो क्रिटिकल एरियाज हैं वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और वो जो क्रिटिकल एरियाज हैं वो कंप्लीटली इंडिया के हाथ में होने चाहिए। ये हमारा जो था वो गोल रहा है स्टार्टिंग से ही, विच वॉज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द सॉवरेनिटी बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक, ठीक है, ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पीसी महालानोबिस मॉडल जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या कहा था। सेकंड 5 ईयर प्लान को बोलते हैं, विच वॉज ड्राफ्टेड बाय नन अदर देन पीसी महालानोबिस, द लेजेंडरी स्टैटिस्टिशियन हु हैड सेट अप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो भी इन्होंने सेटअप किया। लेटर हेल्प इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो है ये इनकी ही अचीवमेंट्स हैं। ही लेड आउट 8 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान विच एम्फेसाइज्ड ऑन पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ ऑन सोशलिस्ट पैटर्न टू एस्टैब्लिश बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज और रेज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, इम्प्रूव करना हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एटसेट्रा, जो एम्फेसाइज था इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे, स्पेशली स्टेट लेड कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज वो सो प्रोफाउंड दैट द प्लान आउटले फॉर द इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 7% टू 24%। तो इंडस्ट्रीज को लेके इन्होंने काफ़ी बातें करी थी। इट वॉज जस्टिफाइड एज इट एम्ड एट मेकिंग द नेशन सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, जैसे मैंने कहा एटलीस्ट क्रिटिकल एरियाज में, to support other industries and agriculture sector and to serve as a foundation of the future economic growth. This model जो था of economic growth also came out to be known as नेहरू महालानोबिस model. तो यहाँ चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज आपको इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ना है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, क्यों हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं क्योंकि हम वो यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अब अगर आप बोल रहे हो मैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ, दैट मीन्स हमें अब वो चीज़, अगर हम कोई पेन मंगवाते हैं बाहर से, ठीक है, दैट मीन्स आप बोल रहे हो ये पेन आप बाहर से नहीं मंगवाओ, तो आपको उस पेन की ज़रूरत तो है, तो आपको क्या करना है, अपने मैन्युफैक्चर इसको सेक्टर को एडवांस करना है कि आप क्या करोगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के साथ वो चीज़ यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करना भी स्टार्ट करोगे। तो अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आप कर रहे हो तो आपको अपने मैन्युफैक्चर सेक्टर को भी एडवांस बनाना है, क्योंकि अब आप वो चीज़ को बाहर से नहीं मंगवाओगे, अब आप उस चीज़ को क्या करोगे, अपनी ही कंट्री में बनाओगे। तो उसके लिए आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है डिडंट मीन जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी चाहिए थी, क्योंकि सोशली एंड कल्चरली भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में थे उस टाइम पे जब इंडिया को आज़ादी मिली थी। डेवलपमेंट मेंट नॉट ओनली ग्रोथ बट ग्रोथ विद जस्टिस टू दोज हु हैड अंडरगॉन कॉलोनियल ऑपरेशन एंड हैड सफर्ड फ्रॉम इविल प्रैक्टिसेस लाइक कास्ट, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेज, डिस्क्रिमिनेशन, पेट्रियार्की दैट वाज प्रेवलेंट इन इंडिया। इन्हीं रीजंस की वजह से मैंने आपको कहा कल्चरली एंड सोशली भी अभी हम पीछे, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी इंडियन सोसाइटी। और आपको जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, आपको सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहिए थी, आपको इन सोसाइटल एंड कल्चरल लाइन्स पे भी इंडिया को आगे ले जाना था। The Indian Constitution also laid down philosophical framework for the development that was to be undertaken and was further clarified when the word socialist was inserted in the Constitution by way of Constitutional Amendment Act. तो socialist, secular and integrity, ये किससे add किया था हमने, Constitutional Amendment Act 42, 1976, ठीक है। तो ये किस लिए किया था, सोशलिस्ट, क्योंकि हमें था कि हमें वेलफेयर मेजर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो Constitution called for minimization of inequality in society among many other socio-political directives, ठीक है। तो अलग अलग आर्टिकल्स में ये चीज़ें, मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी पे बात भी हुई। आर्टिकल 15 में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई फॉर वीकर सेक्शंस। दैट्स द फिलोसफिकल बेस ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इंडिया हैज़ डीप वेलफेयर रूट्स। तो अगर आपको वेलफेयरिज्म का आता है या वेलफेयर का कोई भी क्वेश्चन आता है, वहाँ से आप डायरेक्टली पॉलिटी से भी काफ़ी ज़्यादा आपको कंटेंट जो है वो मिल सकता है, जिसको आप सोशियोलॉजिकली फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो। आर्टिकल 15 में बात हुई है किसकी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, कि कोई भी ऐसा जो लॉ है वो स्टेट को नहीं रोक सकता है जो आपका ऐसा तबका है, एक तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, ठीक है, आपके विमेन हैं एंड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए लॉ बनाने से या उनको फेवर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है आपकी स्टेट को, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रही है, अगर आप एससीबीसीज और वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई खास लॉ लाते हो, तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं या मेल जेंडर है उनके साथ तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हुई ना, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव है क्योंकि आपको इन जो सेक्टर है एससीबीसीज विमेन चिल्ड्रन इनके वेलफेयर पे भी ध्यान देना है साथ साथ। तो इंडिया में स्टार्टिंग से ही वेलफेयर कल्चर जो है वो रहा है। वाइल स्टेट लेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज अज्यूम्ड कमांडिंग हाइट स्पेस वाज लेट फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज ऑल्सो टू कम्प्लीमेंट हैवी गुड प्रोडक्शन विद प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो कहने का यही मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था, प्राइवेट एंड पब्लिक को साथ साथ चला रहे थे। इस प्लान को क्रिटिसाइज किस बात पे किया जाता है कि इसने इग्नोर किया था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को, उस पे ज्यादा इन्होंने बात नहीं करी थी। स्टेट लेड प्लान डेवलपमेंट जो है इससे काफी पॉजिटिव्स रहे। इनिशियल ईयर्स में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स जो थी वो इंप्रूव हो गई। फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो 4 टाइम्स इन द कॉलोनियल एवरेज। इंडस्ट्रीज जो थी वो एवरेज रेट पे ग्रो करी थी ऑफ मोर देन 70% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 प्लान एंड एग्रीकल्चर टू ग्रो एट अ रेट ऑफ मोर देन 3%। तो ग्रोथ जो है हम अचीव कर रहे थे। फिर आगे आगे आप देखोगे 5 ईयर प्लान जब आप पढ़ोगे डीपली तो इनमें फिर आगे के फेलियर्स भी आप नोटिस करोगे। इट वॉज होप दैट द आइडिया ऑफ ए प्रोग्रेसिव इंडिया है वो एक एटमोसफेयर क्रिएट करेगा जो ओवरशैडो कर सकेगा सोशो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस लाइक कास्ट, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। इनको था कि चलो अगर हम प्रोग्रेस करेंगे, इकोनॉमिकली हम डेवलप हो जाए तो हम हेल्थ, एजुकेशन ऐसे सेक्टर्स पे काम कर सकेंगे, इंडिया को हम वैसे करके प्रोग्रेसिव बनाएंगे। तो जो ये इम्पीडिंग फैक्टर्स हैं जैसे आपका रेस हो गया, कास्ट हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, इन चीज़ों को हम काउंटर कर पाएंगे। लेकिन ये आप ही खुद बोलो प्रोग्रेसिव होने के बावजूद क्या हमने ये चीज़ जो है अचीव की है, कितनी अचीव की है, ये आपके लिए सोचने के लिए एक टॉपिक है। इंडिया रीच्ड आउट टू अदर नेशंस टू सीक देयर कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने बाकी कंट्रीज की भी हेल्प ली। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही सेल्फ रिलायंट जो है वो सारी चीज़ें जो करते रहे, क्योंकि तब हमें ज़रूरत थी। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में रूरकेला इन ओरिसा, वहाँ पे जो फर्स्ट स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो जर्मन एंड सोवियट्स एंड ब्रिटिश केम फॉरवर्ड एंड द फर्स्ट स्टील प्लांट जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का, इट वाज इस्टेब्लिश बाय देम इन रूरकेला, भिलाई, मध्य प्रदेश, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। अपार्ट फ्रॉम स्टील प्लांट्स which were to act as fountain heads for all other industries, another major area of thrust was बिल्ड ऑफ लार्ज डैम्स, ठीक है। उसमें भी हमें जो है थोड़ा फॉरेन से हेल्प लेनी पड़ी। नेहरू जो है ये इन लार्ज डैम्स को क्या बोलते थे, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। काफ़ी क्रिटिकल था, हमारी जो रोल था डैम्स प्ले करते थे फ्लड्स वगैरह चेक करने में, वाटर के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो रही थी। मेजर डैम बिल्डिंग जो थी वो स्टार्टेड ऑन महानदी, रिहंद, तुंगभद्रा, दामोदर, सतलुज रिवर्स वगैरह। तो ये आपके ज्योग्राफी का पार्ट है, ये आपको ज़्यादा यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इससे मिल सकती है कि जो सेल्फ रिलायंस है वो स्टार्टिंग से हम नहीं बोल सकते थे क्योंकि हम तब इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। तो हमें फॉरेन पे डिपेंड करना पड़ा, जर्मन पे, सोवियत पे, ब्रिटिश पे, जिन्होंने स्टील प्लांट्स जो है आपके यहाँ पे लगाना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस एक्ट करती हैं आपकी बाकी इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। कोई भी अगर आप फैक्ट्री सेटअप करो या कोई भी चीज बनाओ तो बेसिक आपको एक नेल जो होता है, जो कील बोलते हैं, उस नेल की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो ये नेल्स भी बनाएंगे। तो इनको बेसिक इंडस्ट्रीज बोला जाता है जिसपे आपकी बाकी इंडस्ट्रीज भी फिर थ्राइव करती हैं। तो दे एक्ट एज अ फाउंटेन हेड ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में हमें फॉरेन मुल्कों ने भी हेल्प करी थी। तो डेवलपमेंट प्लानिंग अंडर अ मिक्स्ड इकोनॉमी अज्यूम्ड अ रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल इन मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं रोल प्ले किया मिनिमाइज करने के लिए इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। एज ए रिजल्ट जो अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग है, की इंडस्ट्रीज, बैंक्स एंड सर्विस जो थे उनको नेशनलाइज किया गया। तो कहीं ना कहीं इनको लगा हाँ डेवलपमेंट प्लानिंग जो हो रही है हमारी और जो मॉडल चल रहा है सोशलिस्ट का तो कहीं ना कहीं ठीक है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, हमने पढ़ा है ये इकोनॉमी में भी आपने देखा होगा, बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज किया गया, की इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। तो इसे क्या हुआ, जब ये नेशनलाइज हो गए तो इनका जो प्रॉफिट है वो स्टेट के हाथ में था, वो कैसे उस प्रॉफिट को वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए यूज कर सके। गवर्नमेंट ने एक्टिवली प्रमोट किया एग्रीकल्चर को, सब्सिडीज प्रोवाइड की फॉर द पुअर एंड इंट्रोड्यूस स्पेशल स्कीम्स डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए। दिस वॉज ऑल्सो द रीजन कि जो 12th प्लान डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया का है उसको Called not only for the faster growth but also more inclusive growth। तो 12th प्लान में हमने सिर्फ फास्टर ग्रोथ की बात नहीं करी, हमने उसमें स्टार्ट में इंक्लूजन की बात भी करी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात भी करी। दैट मीन्स आपको उसमें इंक्लूड करने हैं सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की। जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप सिर्फ एक ग्रुप को डेवलप कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में आपको पोअर भी मिलेंगे, पोअरेस्ट ऑफ द पोअर भी मिलेंगे, वीकेस्ट भी मिलेंगे, आपको सबको इंक्लूड करना है अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग में, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एंड प्लान डेवलपमेंट मॉडल्स हैव देयर क्रिटिक्स एज वेल, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म भी हमें पढ़ना ही है। इन द वेरी इनिशियल ईयर्स जो कमेटी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लेवल्स ऑफ लिविंग चेयर्ड बाय नन अनदर पीसी महालनोबिस, इन्होंने कहा जो प्लांट इकोनॉमी है इन्होंने सिर्फ बड़ी कंपनी को फेवर किया। तो द एटमॉस्फेयर वॉज हेविली चार्ज अप इन फेवर ऑफ स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैटर्न ड्यूरिंग 1950s, लेकिन एम्पल क्रिटिक्स थे प्लान डेवलपमेंट के, especially regarding the lofty and unreasonable to some extent targets that the economic planning had set for itself. तो इन्होंने अगर प्लानिंग मॉडल जब आप पढ़ोगे इकोनॉमी में तो कुछ टारगेट्स रखे थे, हमें ये टारगेट अचीव करने हैं, तो वो टारगेट जो थे उसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने गलत टारगेट जो है वो रखे थे अचीव करने के लिए कि किस ईयर तक हमें क्या अचीव करना है। इसको क्रिटिसाइज किया गया इग्नोर करने के लिए। सोशल सेक्टर स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन, कहा बेसिकली जो वेलफेयर आप प्रोवाइड करते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए ताकि लोगों का जो सोशल सेक्टर जैसे हेल्थ एजुकेशन इनमें इंप्रूवमेंट मिले, इनमें वेलफेयर मिले, खासकर आपके हेल्थ में। तो उस पर भी कुछ खास काम नहीं हुआ था। सी राजगोपालाचारी जो था उन्होंने कहा कि जो प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उन्होंने सफोकेट किया प्राइवेट एंटरप्राइज को और पुश किया नेशन को टुवर्ड्स बैकवर्डनेस। गांधीयन क्रिटिक्स जैसे आपकी मीरा बेन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया जो प्लान इकोनॉमी थी, इन्होंने क्या किया कॉज ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसको इग्नोर किया। तो प्लानिंग मॉडल जो था यहाँ का, ठीक है, उसको आप इन लाइंस पे क्रिटिसाइज कर सकते हो। 4-5 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ये आराम से आपका कंटेंट जो है बन सकता है और इसमें आप नाम भी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। पीसी महालानोबिस ने क्या कहा था, बिग कंपनीज को सिर्फ फेवर किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जो इन्होंने टारगेट सेट किए थे इकोनॉमिक प्लानिंग के खुद के लिए वो ठीक नहीं थे। थर्डली क्या था, सोशल सेक्टर को इग्नोर किया स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन को। फोर्थ, सी राजगोपालाचारी ने क्या कहा था, जो प्लान डेवलपमेंट था उन्होंने सफोकेट किया, प्राइवेट एंटरप्राइज को डेवलप नहीं होने दिया जिससे नेशन काफी पीछे हो गया। फिफ्थ, मीरा बेन ने क्या कहा, एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया प्लान डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स यहाँ से आप याद कर सकते हो। इंडिया रिमेन्ड अ क्लोज्ड कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी फॉर द ईयर्स टू कम। उसके बाद ये कब ओपन हो गई, 1991 में, जब क्या मॉडल आया आपका, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जब ये सारी लिबरल हो गई, प्राइवेटाइज हो गई एंड ग्लोबल हो गई आपकी इकोनॉमी इंडिया की, तो वो ओपन इकोनॉमी बन गई, फिर क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रही। In the name of mix and plan economy, elaborate rules and complex institutional architecture were created, which stifled the growth of enterprise in India. अब जब state के हाथ में थे enterprises and industries, आपकी critical industries, तो क्या हुआ, उनका उस time पे license लेना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था। आपको लाइसेंसिंग चाहिए ना किसी काम के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो स्टेट के थ्रू इम्पोज किए जाते थे। इनफैक्ट उस टाइम पीरियड को ही लाइसेंस राज बोला जाता था, जहाँ पे आपको हर चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें आंसर जो है पॉजिटिव नोट पे एंड करना होगा। अगर प्लानिंग का भी कोई आएगा तो उसमें आप लिख सकते हो, लेकिन 80% पावर्टी ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स जो है इंडिया हैज़ अराउंड 20% करंटली। तो जो हमने प्लान्ड वाले इकोनॉमी में भी वो टाइम स्पेंड किया मिक्सड इकोनॉमी वाला, तो भी फेलियर नहीं था, हमने वो चीज़ें अचीव करी हैं। पॉवर्टी इतनी ज़्यादा जो है वो रिड्यूस हो गई, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी इतने ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं एज़ पर हमारे नए सेंसस 2011। 2021 का सेंसस नहीं आया था कोविड की वजह से, तो करंटली हम 2011 ही फॉलो कर रहे हैं। नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी विद द लॉन्च ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स टू मून एंड मार्स। इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप हैं उसमें लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दो देयर हैव बीन शॉर्टकमिंग्स इन डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल्स, अचीवमेंट्स जो है आर नो लेस सिग्निफिकेंट। यही लाइन से आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इसके उठा सकते हैं, अपने नोट्स में जो मेंशन कर सकते हो। अब एक छोटा टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सोशल चेंज। अब हो गया लॉ के थ्रू कैसे आप सोशल चेंज लेके आते हो, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिंपली आपको कुछ एक्ट वगैरह जो है एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ सोशल चेंज की बात हुई है वो चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। एंशिएंट सोसाइटीज़, इवन हमारे जो लॉज हैं रूल्स इन वन फॉर्म और द अदर, वो एंशिएंट सोसाइटीज़ को भी गवर्न करते थे। फॉर एग्जांपल, जितने रिलीजियस टेक्स्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोफेस सच लॉज ऑफ लाइफ, ठीक है, ह्यूमैनिटी, किलिंग वन ह्यूमन इज किलिंग एंटायर ह्यूमैनिटी, तो ऐसे ऐसे लॉज आपको रिलीजन टेक्स्ट से भी मिलेंगे। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंज इन अ डाइवर्स एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक इंडिया, जिसमें आपको मल्टीपल क्लीवेजेस या मल्टीपल शिज्म मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन, एथनिसिटी एंड रिलीजन, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट वगैरह, वो आपके आर्टिकल में भी मेंशन है, आर्टिकल 15 आपका यही है, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी में चीज़ें मेंशन है, आपके प्रीएम्बल में भी ये चीज़ें मेंशन है, आर्टिकल में, डीपीएसपी में, प्रीएम्बल्स में। न्यूमरस स्कीम्स और लेजिस्लेशन लाई जाती है एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक सेक्शंस को। आपको माइनॉरिटीज, जैसे हम माइनॉरिटी चैप्टर पढ़ा अभी, उसमें माइनॉरिटी के लिए जो स्कीम्स लेके आए थे, मतलब माइनॉरिटीज को एड्रेस करने के लिए, आपको सो कॉल्ड दलित के लिए अगर जो लोअर कास्ट है उनके लिए कोई कुछ अलग अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम आता है। फाइन, आपके लिए अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, और उसको इफेक्ट में लाने के लिए आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, पहले जिसको अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बोला जाता था, वो लेजिस्लेशन भी है इन फोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये देख लो। योगेंद्र सिंह जो है, इन्होंने लॉ एंड सोशल चेंज पे क्या कहा, इन्होंने कहा लॉ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल चेंज लाने में। कुछ पॉइंट्स इन्होंने बोले। पहली बात, लॉ क्या करता है, ये लेजिटिमाइज करता है सोशल चेंज को। फॉर एग्जाम्पल, एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है, उसके बाद एक लॉ लेके आए अनटचेबिलिटी के लिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 लाया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया, और इफेक्ट में लाने के लिए इन्होंने ये एक्ट लेके आए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इसको लेजिटिमाइज किया इस चेंज को, कि हाँ ये जो चेंज है ये लेजिटिमेट है, ये चेंज सोसाइटी में आनी चाहिए। सेकेंडली, जो लॉ है वो क्या करता है, वो इनिशिएट करता है सोशल चेंज को। जैसे राइट टू एजुकेशन की हम बात करें तो आर्टिकल ये 21A, इसको अमेंडमेंट लाके एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो एक सोशल चेंज को इनिशिएट किया गया, ठीक है। थर्डली, लॉ क्या करता है, वो हेसन करता है सोशल चेंज को, ऑनगोइंग सोशल चेंज को एक फास्ट ट्रैक पे ले जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें चाइल्ड मैरिजेस के केस में, चाइल्ड मैरिजेस काफी कम हो गई जब एज रिलेटेड लेजिस्लेशन जो है वो लाए गए। पहले आपका शारदा एक्ट था, ठीक है, उसके बाद मैरिजेबल एज को 1821 किया गया, ठीक। तो इससे क्या हो गया, हमारे जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई। तो जो ऑलरेडी एक काम हो रहा था, चाइल्ड मैरिजेस कम हो रही थी, लॉ के लाने की वजह से वो प्रोसेस जो है फास्ट ट्रैक हो गया। फोर्थली, लॉ एक नेगेटिव सोशल चेंज को भी रोकता है। फॉर एग्जांपल, फीमेल फीटिसाइड एक नेगेटिव सोशल चेंज है सोसाइटी की, कि फीमेल्स को आप कोख में ही मार दो। तो इसके लिए PCPNDT एक्ट लेके आए, प्री कंसेप्चुअल प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जेंडर जो है वो बेबी का वो पहले नहीं देख सकते, वो क्या है, वो एक क्राइम है, पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो जो नेगेटिव सोशल चेंज हो रही थी सोसाइटी में कि लड़कियों को मारो, उसको भी एक लॉ ने रोका। तो ये चार चीजें, चार पॉइंट्स विद करंट रिलेटेड एग्जांपल्स आप योगेंद्र सिंह के ऑन लॉ एंड सोशल चेंज में लिख सकते हो। टू एड्रेस द बेसिक नीड ऑफ सिटीजंस, जो लॉ है इज यूज्ड एज अ टूल टू गिव बेसिक सर्टेन राइट्स concrete practical shape, and as a result today there are provisions like MGNAREGA, right to education and right to information, ठीक है। ऐसा कुछ खास इसमें समझने वाला नहीं है। लॉ क्या करता है, आपको कुछ राइट्स जो है उनको प्रैक्टिकल शेप देता है। MGNAREGA से क्या आपको मिलता है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात हुई नरेगा में कि 100 days की एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगी। राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी आपके राइट्स हैं उनको एक कंक्रीट प्रैक्टिकल शेप मिलती है। साथ में जो स्पेशल नीड्स वाले सेक्शन है, जैसे विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, आपके शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उनके लिए भी लॉ है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, STs एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है, POCSO एक्ट है चिल्ड्रन के लिए, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 जो आपका ट्रिपल तलाक वाला केस हैंडल करता है। तो ये सारे जो प्रोविजंस है ऑलरेडी लाए गए हैं, जिनसे क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि सोशल चेंज आए, लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि सिर्फ लॉ लाना काफ़ी नहीं होता है, आपको उसको सही से इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं मार्क्स ने इसके बारे में क्या कहा। मार्क्स ने कहा ये एक पार्ट है लार्जर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट का, वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो मार्क्स की आइडियोलॉजी को यहाँ पे थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं, स्टेट जो है वो लॉ लेके आती है इन द गार्ब ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, लेकिन स्टेट किस पे चलता है, बेसिस पे डोमिनेंट ग्रुप्स के। वो डोमिनेंट ग्रुप्स कौन से हैं आपके, यही कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह। तो बेसिकली स्टेट क्या करता है, यही आइडियोलॉजी को आगे रीइंफोर्स करता है, एंड ये लॉ कोई सोशल चेंज ऐसी नहीं लाता जो बेनिफिशियल हो फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस। तो ये किसका मानना है आपके, मार्क्सिस्ट का, ठीक है। फर्दर बोला जाता है लॉ इज एज गुड एज इट्स यूजर्स, ठीक है। जो अगेन हम किस पे आ जाते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस पे। आपको कोई भी लॉ तो बहुत सारे लेके आते हैं ना हमारे पास, डोमेस्टिक लॉ, ये है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉ है, एंटी डाउरी लॉ हमारे पास है, ठीक है, पॉक्सो एक्ट है हमारे पास, लेकिन फिर भी ये क्राइम्स अभी भी सोसाइटी में होते हैं क्योंकि इनकी जो है इफेक्टिवली आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करते हो। आपका जैसे उपेंद्र बख्शी एंड गोविंद मिश्रा ने कहा था, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो सही से नहीं चलता, इस वजह से लॉ जो है वो इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज नहीं बन पाता है। तो इसमें ये दो नाम याद रख लेना, इन्होंने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात की थी। ऑनरे बिते ने क्या कहा था, लोगों को अपने एक्शन और आइडियोलॉजी से भी क्या करना होगा, चेंज लानी होगी, तो ही इन लॉज का कोई फायदा आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बस आपको एक डायरेक्शन देता है जिसमें गवर्नमेंट शुड मूव, लेकिन जो लोग हैं who through their actions and ideology determine the efficacy of the constitutional law. लॉ तो लेके आ गए जिसने आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप हो उसके अकॉर्डिंग सारे एरियाज को कवर किया, लेकिन वो लॉ कितना एफिशिएंट रहेगा या नहीं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लोगों पे, लोगों के एक्शंस पे एंड लोगों की आइडियोलॉजी पे. ठीक है, अब करप्शन इतनी ज़्यादा है ना, सोसाइटी में करप्शन इतनी ज़्यादा है तो कौन सा डिपार्टमेंट सही से काम करेगा? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपकी सही से काम नहीं कर रही हैं, आपका जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है वो सही से काम नहीं कर पाता है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी जो वो सही से नहीं चलता है. तो लॉज ऑलरेडी इन प्लेस हैं, कंक्रीट शेप देने के लिए भी लॉज लाए गए हैं. एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट है आपके पास, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी दी गई हैं, आपको स्टेट ने दी हैं, लेकिन फिर भी लोग ये प्रैक्टिस करते हैं. दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो सिविल सोसाइटी से आती है, वो आपकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और आपकी अवेयरनेस पे भी डिपेंड करता है. तो यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका फर्स्ट पार्ट. सेकंड में हमें एजुकेशन सोशल चेंज डिस्कस करना है, तो कोशिश करूंगी सेकंड वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाए. टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.